क्या नॉवल है सर के साथ? इतना सारा सामान हमको खाने के लिए मिला है खाएंगे। वो वीडियो डिलीट कर रहे हैं दूसरा। तो गाइस फाइनली मैं नहा ली हूँ, नहा हुआ कर अभी अपने सीढ़ी पे बैठी हूँ, देख सकते हैं अभी बिल्कुल नीचे का फ्लोर है उस पे बैठी हूँ, तो देख सकते हैं। और वो जो फोटो दिख रही है हमारे सासू माँ का फोटो है, और बहुत ज़्यादा पता नहीं चलने की वजह से मेरे कमर में पेन हो रहा है, तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे शांति से। और बच्चे को तो पता ही नहीं है कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं, कुछ नहीं पता। एक मेरे घर बाबू आया है, दिखाती हूँ आपको, देखिए बाबू हेलो करो, हेलो करो ना। बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, लेकिन खाली शैतानी कर रहा है इधर से इधर, है ना, देख सकते हैं हंस रहा है। अभी बैठी हूँ और कुछ भी और लोग हैं आएंगे हैं नहाने, तो इसी वजह से मैं भी बैठी हूँ। और नहाने तो फिर मैं भी जाऊँगी, खाना वाला खाऊंगी। ब्लॉग कंटिन्यू कीजिएगा, अभी आज कल गाँव का ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को। साड़ी कौन है? गाइस फाइनली मैं आ गई अब अपने घर, यानी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आ गई, ससुराल वाले घर से आ गई। अब जहाँ परमानेंट आप लोग देखते हो वहाँ आ गई, और यहाँ पे देख सकते हो सौम्या शौर्य सिंह। गाँव से आने के बाद हालत इनका देखो कैसा हो रखा है बिल्कुल, और वहाँ पे सौम्या। अभी घर से आने के बाद मैं दूध दी हूँ और बिस्किट दी हूँ, और हमारी दीदी यानी हमारी जेठानी क्या क्या दी हैं तो वो आप लोग को दिखाती हूँ। जेठानी हो तो भगवान ऐसे एक बड़ी दीदी से भी ज़्यादा प्यार, एक अपनी सगी दीदी से भी ज़्यादा प्यार। सब लोग हंस रही थी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, नहीं तो मैं दीदी का वीडियो शूट कर लेती। सब लोग हंस रही थी कि इतना बेटी को भी तैयार करके नहीं देती है जितना ये मतलब गोतनी को दे रही है। हमारे यहाँ जैसे देवरानी जेठानी को गोतनी बोला जाता है, तो यहाँ पे तो ये बेटी के घर से कुछ आया था, लड्डू और गाजा खाजा और ये सब, और उसके बाद इसमें दी है सहजन तोड़ के, तो घर का सहजन है देख सकते हैं, एक एक सहजन को छाट कर अलग कर कर कर, और उसके बाद दी है निकाल कर। और यहाँ पे गाइज इसमें थैले में भर के दी है झांगरी, जो चने का होता है वो भी शायद बांधा हुआ है, नहीं निकल रहा है, ये चने वाली झांगरी दी है। तो इतना सारा क्या बेटा करू, तो हमारी दीदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब मैं तो देखो मेरा कोई बहन है नहीं, मैं सिंगल हूँ, जो हूँ बड़ी छोटी जो भी हूँ मैं सिंगल सिस्टर हूँ, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। बट हमें ससुराल वाले दीदी लोग से सभी से इतना प्यार मिल जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि देवरानी जेठानी नहीं अपनी रियल बहन हो, तो बहुत अच्छा लगता है मिलकर दीदी लोग से, और करती भी है बहुत। तो चलिए मैं पहले तो कपड़ा चेंज करूंगी, और बाल बाइक से आने के बाद जैसे सारा एकदम भूत बन गई, देख सकते हो सारा भूत बन गई क्योंकि बाइक से आई थी। और अभी आई हूँ कितने बजे वो बता दूं मैं, नाइट का 8:30 हो रहा है। तो मेरा ससुराल ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से आधा घंटा का रास्ता, आधा घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा का रास्ता है बस, अगर ट्रैफिक ना मिले तो। तो बस मैं चली आई क्योंकि कल से बच्चे का स्कूल है, तो मैं चली आई। हो सकता है तो देखो बारात वाले दिन जाती हूँ क्या, मुझे भी नहीं पता कंफर्म। सब लोग बोले हैं कि आ जाइएगा आ जाइएगा, और किसी ने पूछा था इस इयर रिंग्स के लिए कि दी बहुत सुंदर है आपका इयर रिंग्स, गोल्ड का है क्या? तो हाँ मेरा इयर रिंग्स गोल्ड का है, ये सब पहले का है, जब मेरे हस्बैंड थे ना तो उस टाइम बनवाए थे, तो
ये सब चीज जितना है उस टाइम का मेरा है, और बहुत कमेंट्स हैं, मैं रिप्लाई दूंगी, बट अभी थोड़ा सा शादी का ब्लॉग जाएगा इस वजह से बिजी हूँ, तो मैं आप लोग का कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगी। और किन्हीं ने पूछा था आप ससुराल में रहते हो, कहाँ रहते हो, तो मैं ये सब चीज़ पे ब्लॉग बना रखी हूँ, ऑलरेडी बता रखी हूँ कि मैं ससुराल में रहती हूँ या मायके में रहती हूँ। अगर आप लोग रिपीट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो मैं किसी ब्लॉग में आप लोग को बताऊँगी ज़रूर, है ना। तो चलिए पहले मैं कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ साड़ी में, पिनअप वगैरह हटा ली हूँ और अब थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। ओके, तो गाइज फाइनली कपड़ा मैं चेंज कर ली, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा हैबिट नहीं है मुझे साड़ी डालने की और पूरे दिन और रात रहने का, तो बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। अब जाके सुकून मिला, ऐसे लग रहा है बॉडी हल्का हल्का। और यहाँ पे मैं कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ, तो आज खाना मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि अब थक गई मैं आने में। तो ये है चटनी एंड ब्रेड और आलू वाला कटलक है, एक कचौरी है, थोड़ी सी भिंडी का भुजिया है, तो मैं यही खा लूँगी क्योंकि बच्चे को दूध और बिस्किट दे दी, उन लोगों ने खा लिए और मैं अभी यही खाऊँगी। तो ये चाची दी थी बांध कर, चाची सास, तो खाकर पानी पीकर फाइनल निकल लूंगी।